नमस्कार, रूपस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पापड़ की सब्जी। अगर आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो ये सब्जी आपको ट्राई करना चाहिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए देख लेते हैं पापड़ की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। पापड़ की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार पापड़ लिया है। मैंने यहाँ पर मसाला पापड़ लिया है, आप चाहे तो प्लेन पापड़ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक और 4 छिले हुए लहसुन को एक साथ पेस्ट करके रखा है। कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के आलू को ऐसे टुकड़ों में काट के रखा है, 1 मीडियम साइज़ प्याज का पेस्ट, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक। लाल मिर्च पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कीजिए। आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हमें चाहिए रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले हम ये पापड़ को 4 टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो पापड़ को फ्राई करने के बाद भी इसका टुकड़ा कर सकते हैं। अगर आप छोटा टुकड़ा कर लेंगे तो फ्राई करने के टाइम तेल ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं होगा, कम तेल में ही ये फ्राई हो जाएगा। अभी हम गैस ऑन करके पैन को गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे तेल और तेल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम पापड़ का टुकड़ा डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। पापड़ जल्दी फ्राई हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ध्यान में रखिए ये जल ना जाए। ये सब्जी बनाने के लिए ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होता है, बस पापड़ को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा तेल लिया है। ये देखिए पापड़ फ्राई हो चुका है और पैन पे मैंने 3 टेबल स्पून तेल को रखकर बाकी तेल को एक बोल में निकाल लिया है। अभी हम तेल में डालेंगे प्याज का पेस्ट। अभी जब तक ये प्याज लाइट ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं या फिर प्याज लहसुन के बिना ये सब्जी बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा हींग यूज़ कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस सेम है। प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुछ सेकेंड के लिए इसे फ्राई होने देंगे, नहीं तो लहसुन का कच्चा स्मेल सब्जी में रह जाएगा। अभी हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब तक ये मसाला अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता है तब तक हम इसे लो मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते रहेंगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है और ये देखिए तेल से मसाला अलग हो रहा है। अभी हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर, एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कटा हुआ आलू। आलू ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। 3 मिनट हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने यहाँ पे इसी ग्लास के नाप से 1 ग्लास पानी ऐड किया है। आलू को पतले टुकड़ों में काटा है तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे मैंने मिक्स कर दिया है, अभी गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसे उबालने देंगे। जैसे ही ये उबालना शुरू हो जाएगा हम गैस का फ्लेम लो मीडियम कर देंगे और पैन को ढककर तब तक पकाएंगे जब तक ये आलू पूरी तरह से पक नहीं जाता है। एक बार चेक कर लेती हूँ आलू अच्छे से पका है कि नहीं। आलू अच्छे से पक चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ पापड़। फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट तक और पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है, अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। अभी गरम मसाला पाउडर को सब्जी के साथ अच्छे से मिला देंगे। इसे मैंने मिक्स कर दिया है, अभी पैन को 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे, नहीं तो गरम मसाला का फ्लेवर सब्जी में अच्छे से नहीं आएगा। 3 मिनट हो चुका है, अभी हम सब्जी को सर्व करने के लिए एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। पापड़ की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। आपने देखा ये सब्जी बनाना कितना आसान है। आप भी ये रेसिपी घर पे ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। और मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।